हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अब ये वाली वीडियो में ना आप देखना, मेरे से पहले काफ़ी सारे लोग उतर चुके हैं एंड मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। मतलब अब मेरे को मिली ये गन। अब दिक्कत ये थी कि यहाँ पे ये जो लास्ट वाला ये जो डुओ उतर रहा था ना, इनकी मिस जंप हो गई थी मेरे से भी ज़्यादा। अब फ्री के किरते हैं यहाँ पर तो मेरे लिए, तो इसको तो मैंने फिनिश कर दिया। बहुत ज़्यादा अनलक्की था ये बंदा। अब इसका टीम मेट इसको कहीं रिकॉल ना कर दे, सो उसके लिए पहले इसके टीम मेट को जाके मार के आते हैं। तो ये दो किल तो अपने कन्फर्म हो जाएंगे। वैसे रिकॉल कर देगा तो अपने लिए अच्छा है, बट अभी जब इंस्टेंट किल मिल रहा है तो क्या ही करें। उसके पास कोई गन नहीं थी, पिस्टल थी, छुप रहा था। अभी मैंने बोला यार जब दो किल हो ही गए तो थोड़ा एफर्ट लगाते हैं, क्या पता यहाँ पे भी दो किल मिल जाए मेरे को। तो उसके अलावा भी यहाँ पे और बंदे उतरे थे, तो मैं जाता हूँ इस बंदे को मारने के लिए। और इस बंदे को भी खेल दिया। इसको पिलने के बाद इसका टीममेट दूसरी बिल्डिंग में था, तो उसको भी मैंने बोला यार लगे आते ना, हाथ आजमाई लेते क्या लूट वूट करने में। उसको भी थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो वो भी अच्छी खासी लूट कर लेगा। अब मैं देखता हूँ यार, उसने तो अच्छी खासी लूट कर ही ली थी, तो अब मैंने बोला यार चलो अब जाना ही पड़ेगा यार, अब तो मजबूरी हो गई है, अब तो लूट करने में जाएंगे तो टाइम जाएगा पूरा का पूरा। तो गया, इसको भी भर दिया। अब ये जो बंदा ऊपर से भाग के दूसरी वाली बिल्डिंग में चला जाता है, तो हम भी दूसरी वाली बिल्डिंग में जाते हैं उसकी। अब वो बंदा ना ऊपर है और वहाँ पे एक और बंदा था ऑलरेडी जिसको मैंने मारा गाइस, उसका टीममेट था वो। उसको मार पाऊंगा नहीं, देखो जरा क्या होता है। हम तो चले जाते ऊपर। ऊपर जाके ना इनकी फायरिंग शुरू हो जाती है, मतलब फाइटिंग शुरू हो जाती है और दूसरे बंदों के साथ जाते हैं। अभी वो बंदा भी शॉटगन यूज कर रहा था बेचारा, पीला गया। पर अब देखो इजीली निपटा दिया ये बंदा, टीवीपी लेते रह गया। और इसकी एक अब फिलहाल मेरी हो चुकी है और यहाँ पे सब बंदों को पेल दिया है। इस बात पर एक छोटा सा लाइक कर देना। वैसे लाइक का टारगेट को भी देता नहीं हूँ, लेकिन आज मैं लाइक का टारगेट देता हूँ। कितने लाइक कर पाओगे गाइस आप? सो छोड़ो यार, लाइक का कोई टारगेट नहीं दूंगा मैं आप लोगों को, खुद लाइक कर देना एंड हम देखेंगे कि भाई कितना टारगेट जो है हम लोग अचीव कर पाते हैं। इवन मैं खुद लाइक करूंगा वीडियो, सो आप लोग भी लाइक करना यार। फिलहाल इसको फेलते हैं। वैसे ऐसे लाइक करने में मज़ा नहीं आएगा, सो एक टास्क लेता हूँ मैं यहाँ पे। फिलहाल यहाँ पे देखो क्या होता है, मैं इसको लूट रहा था और जैसे मैंने लूटते लूटते मतलब अभी थोड़ा खो गया था मैं लूटने में, लेकिन तभी फायरिंग होती है दूर से। अभी वो बंदे सिंगल टैप मार रहे थे दूर से, पता नहीं वहाँ पे शायद UMP था उस बंदे के पास, इतना तो पता लग गया था। और इतने दूर तक उसका रेंज भी नहीं होता UMP का। अभी देखो इनको कैसे भरते हैं गाइस, लेकिन उसके लिए मेरे को चाहिए रहेगी बग्गी, क्योंकि इस बाइक पे उतारना वेरी इजी। तो मैं जाता हूँ टीममेट को लेके। मेरे को पता था वो रिकॉल सेंटर के जस्ट आगे बग्गी लगी होती है, वो बगी मेरे को किसी भी प्रकार से पानी है गाइस। तो वो बगी पाके सीधा इस घर के पे रश कर देता हूँ मैं। अभी गाइस देखो इन दोनों को कैसे भरते हैं। एंड ये अगर आपको अच्छा लगता है तो गाइस लाइक कर देना, ठीक है, क्योंकि ऐसा मतलब बिना बात के लाइक करने में मज़ा नहीं है। तो मतलब अगर थोड़ा सा मज़ा आया तभी लाइक करने में भी मज़ा आया ना। तो अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, मेरे पे दो नेड थे। अभी कभी कभी क्या होता है कि नेड डराने के लिए काफ़ी है। देखो डर गए दोनों के दोनों। अभी एक कूद गया, मेरे को बिल्कुल इसकी उम्मीद ये बंदा कूदेगा। और इस बंदे को भी जो पहला ना भाई, पहले ये बंदा कूदा तो मैंने इसके ऊपर एम रखा, मारा लेकिन ये बीच में अटक गया, तो मेरा एम बिल्कुल नीचे आ गया। अभी जैसे कि आदमी गिरता है ना, वो वहीं पे अटका रह गया, तो उसके बाद वहाँ से फिर गिरा तो उसको मारा मैं। लेकिन अभी पीछे से गाड़ी आती है। खैर अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, लेकिन इससे बड़े मोमेंट आपको मैं आगे दिखाऊंगा, ठीक है। खैर पहले इस बंदे को मारते हैं। ये बंदा वहाँ पे टिप्पी ले रहा था, दो भी हो सकते थे ये, बट एक की फुटस्टेप आई थी तो मैंने ना नेट फेंकने शुरू कर दिया, तो बंदा डर के पीछे की तरफ भागना शुरू कर देता है। मतलब अभी नहीं भागा, लेकिन उसको भगाने के लिए मेरे पे नेट है, नेट काफ़ी है गाइस मेरे पे। सो एक नेट और खींचता हूँ मैं, इस बार तो बंदा डर ही जाता है कि नहीं भाई कितने नेट इसके मैं सहूँगा, डैमेज हुआ होगा ना उसको। और फाइनली फेल दिया इस बंदे को भी। इसको मारने के बाद यहाँ पे लूट हमारे पास अच्छी खासी थी यार। एक चीज़ मैं हमेशा करता हूँ कि पेटी सबकी लूट के उसमें से कोई और नेट उठा लेता हूँ मैं, क्योंकि अगले को मारने के लिए काम आएगा ना। हमारे तो यहाँ पे ग्रोज अपग्रेड करने के लिए बंदे यहाँ पे ऑलरेडी होते हैं। अब यहाँ पे आया तो पीछे फायरिंग हो रही थी, हमने जल्दी जल्दी यहाँ पे अंदर गए, ग्रोज अपग्रेड करी, तभी हमारी बगी की तरफ एक बंदा आता है इस तरफ से। अब वो टीपीपी लेने लग जाता है, लेकिन अभी आपको पता है ग्रोजा के आगे कौन टिकेगा। और भाई ये ग्रोजा तो मतलब, वैसे ये ग्रोजा दिख नहीं रही, इसकी स्किन इतनी लग नहीं है, जैसे M4 देखो कैसे चमक रही है गाइस ब्लू, लेकिन ये ग्रोजा थोड़ी सी उतनी चमक नहीं रही है ना, मैंने नोटिस की है चीज़ गेम के अंदर। खैर इसका एक टीममेट दिखा था मेरे को, अभी वो इधर कहीं हील लगा रहा है, तो मतलब मेरे सामने ही है वो, तो मैं वेट करता हूँ टीममेट के आने का ताकि एक साथ जाके मारेंगे, वरना ये मेरे को फिनिश करेगा क्योंकि इसके टीममेट को मैंने फिनिश किया।
और सडनली थोड़ा वेट करने के बाद जैसे टीममेट आया तो मैंने जो है इसको इजीली नॉक एंड फिनिश मार दिया। अभी ये तो गया, अभी दूसरे बंदे को मारना पड़ेगा जो पीछे से फायरिंग कर रहे थे। अभी जैसे यहाँ से हम निकले वो बंदा रेडी था एकदम हमको मारने के लिए, और मौका भी उसको उतना मिला नहीं क्योंकि हम बिल्कुल घर के पीछे पीछे से ला रहा था मैं, ताकि इतना डैमेज वैमेज ना उस तक पहुँचने में पहुँचते। अभी मेरे को लगा ही था ये बंदा खिड़कियों से अटैक करेगा, मैं जहाँ पे हील कर रहा था ना वहाँ से बाहर से कवर इजीली मिलता है, सो वो बंदा मेरे को मार सकता था। सो मेरे को जैसे होश आई तो मैंने भी प्रिपेयर करना शुरू कर दिया और इस बंदे को भी निपटा दिया। लिटरली ये बंदा थोड़ा रेजिस्टेंस दे रहा था हमको। अभी इनको निपटाने के बाद एक बाइक वाला दिखता हमको यहाँ पे, अभी वो बाइक वाला अकेला जा रहा था, मुझे नहीं पता ये कहाँ जा रहा था, लेकिन बाइक पे एक कमी रहती है, गिर जाता बंदा, और गिरने के बाद इजीली निपटा दिया उस बंदे को। मेरे को लगा बाइक पे कोई और भी है लेकिन कोई था नहीं, तो हमने जो है इजीली इस बंदे को मारा। उसके बाद मस्त यहाँ पे चिल आउट किया, थोड़ा सा रोड के बीच में बैठ के हील किया। देन हम आ जाते हैं अभी थोड़ा लास्ट मोमेंट पे। यहाँ पे लास्ट मोमेंट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस घर में बंदे थे मेरे बिल्कुल राइट में, उसके बाद बिल्कुल सामने भी बंदे थे। अभी वो ऊपर वाले बंदे को तो मौका नहीं मिला बिल्कुल भी, उसको लगा कि उतरेगा तो मारूंगा, लेकिन मैंने बग्गी से उतरा ही नहीं, उसको देख के मैंने वहाँ से हेड हेड भेज दिया उस बंदे को। अब जब इतनी इजीली आपको किल मिल गया तो कहाँ रश करते हो आप, मैंने भी रश नहीं किया, मैंने बोला मस्त थोड़े एकदम ट्रिक व्रिक लगा के मारते उस बंदे को। मैंने आसमान में इतने सारे नेट फेंक दिए चारों तरफ से, अरे वो गिरे भी सही जगह, लेकिन जब बंदा ही अगर अंदर चला जाए तो कहाँ उसको नेट मार पाएंगे। सो अब क्या कर सकते हैं, जाके रश ही करना पड़ेगा। मेरे पे नेट तो खूब सारे थे बट अब इतने देर में आवाज़ आती कि भाई वो जो है हील लगा रहा है, मैंने बोला यार वाह रिवाइव भी हो गया। अभी यहाँ पे गलती एक हो जाती है, हमने इतना टाइम लगा दिया, मैं तो भाई पूरा प्री फायर दे के उसको वापस भेजा रहा था कि नहीं भाई नीचे मत आ, मेरी ये लगी काम है, थोड़ी देर में लड़ता हूँ तेरे से। टीममेट की हेल्थ काफ़ी तेज़ी से जा रही थी और टीममेट फिनिश इतनी देर में, तो अब तो मेरे पास कुछ ऑप्शन था ही नहीं। अभी वो अपने टीममेट को रिवाइव करेगा, उससे पहले मैं जाके उसको फिनिश कराया और ये टीम ख़त्म हो गई। लेकिन टीम को रिकॉल कर सकता था मैं। अब जैसे मेरे को ये मन में याद आया कि रिकॉल तो कर सकता हूँ, अभी जाना पड़ेगा, मेरे पास कल करीबन 20 सेकंड के करीबन है वहाँ पहुँचने में, इतने में जोन बंद हो जाएगा। लेकिन इतने में क्या होता है, मेरे को याद आता है पीछे भी बंदे हैं, और तभी टीममेट का कॉल आता है बंदे सामने, बंदा कोई नहीं आराम से खेल। इतने में मैंने देखा भाई ये दोनों क्या मस्त कैंपिंग करके बैठे। अभी मेरे को जल्दी थी जाने की यार, ऊपर से ये लोग भी मेरा एकदम जैसे होता है ना आप कहीं जाने की जल्दी होती है ऊपर से कोई आपको डिले करता है उस चीज़ में, तो ये लोग वही कर रहे थे। जल्दी से इन दोनों को निपटाया, लेकिन फिर जो है करीबन जब तक मैं हील करता बग्गी में बैठता, वो 800 सेकंड का डिस्टेंस था वो तो क्लियर होने नहीं वाला था, ऊपर से जो है बंदे ही दो बचे थे, दो से तीन। तो मैंने बोला यार क्या अब रिकॉल करना, अब तो मैच जीतते हैं और घर चलते हैं मस्त एकदम। तो बग्गी में गया बंदों को ढूंढने, बहुत ढूंढा नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला। लेकिन उसके बाद इस जगह पे आता हूँ मैं। अब यहाँ क्योंकि सर्कल इतना छोटा था तो बंदे यहीं पे हो सकते थे, ऊपर से वो देखो टमी भी उधर ही खड़ा है किसी का। अभी मेरे को एक बंदा दिखता और ये दिख गया था मेरे को कहीं ना कहीं हल्का सा, और उसका वो उसको पता नहीं था मैं यहाँ पे रुक गया हूँ। अभी मेरे को पड़ती कहीं और से, अभी उधर भी दो बंदे थे और वो घर वाला तो था ही। अभी यहाँ पे इस बंदे को पेला और उसके बाद मैं यहाँ पे रुक तो सकता था नहीं, अकेला था वो बंदा वैसे, तो मैं वहाँ से जो है इस तरफ चला जाता हूँ। और वो जो स्क्वाड हाउस था सामने, यहाँ पे जो दो बंदे हैं वो एक एक करके वहाँ से चले जाते हैं कहाँ जोन के अंदर, क्योंकि उनको पता था जोन यहाँ पे है नहीं। वैसे हेडशॉट देखिए अगर आपको अच्छा लगा तो गाइस लाइक कर देना यार, अब देखते हैं एट द एंड हम कितने लाइक्स कर पाते इस वीडियो में। अब खैर उनको मारूंगा मैं फिर, उसके बाद लाइक कर देना, अगर नहीं मार पाया तो सब्सक्राइब कर देना यार, कुछ ना कुछ तो करना। अब यहाँ पे आते हैं, मेरे को बंदा दिखा, मैंने बोला हेडशॉट मारूंगा, मैं बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहा था, जैसे कि मैंने बताया बहुत अंडर एस्टिमेट करता हूँ कई बार। बंदे ने उठते पेल दिया मेरे को, अभी इसको कैसे करके मैंने तो नॉक कर दिया। अब आता नेड मेरे, अब 1 HP था तो नेड फूटता तो मैं तो पिल जाता, तो मैं वहाँ से तो निकल लिया इधर आ जाता। अभी यहाँ से मैंने सोचा चलो इसको ट्रोल करते हैं, अभी मेरा ट्रोल करने का मन था, हेडशॉट मारने का मन था, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे हीलिंग ली भाई बंदा मेरे सर पे MK14 लेके आ जाता है। अभी मैं थोड़ा पीछे चला जाता हूँ, अब मैंने बोला लेट के ही मारूंगा इसको, लेकिन मुझे क्या पता था यहाँ से एंगल नहीं बनेगा, वो बंदा और ऊपर
और उसके बाद मेरा एम ही ऊपर नहीं गया गाइस। सो दैट्स इट गाइस, ये था वीडियो, आई होप आपको जो है अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में, और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो गाइस प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं नहीं कहता जिससे आपको डिस्टर्ब होता है। सो आखिर में कहता हूँ, तब तक लोग बचते भी नहीं है, इसलिए जो भी बचते हैं उन्हीं लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस कि आप कुछ लोग बचे हुए आखिर तक, सो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन। अगर आपने कर दिया तो गाइस प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं इसी को नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय गाइस।